अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जबरदस्त सस्पेंस बरकरार है। अब तक के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक जो बाइडेन बहुमत के काफी करीब पहुंच चुके हैं, उनका आंकड़ा 260 के पार चला गया है। अब उन्हें बहुमत के लिए सिर्फ कुछ ही मतों की दरकार है। ट्रंप बहुमत के 270 के आंकड़े से काफी दूर है। अभी भी ज्यादातर जगहों पर वोटों की गिनती जारी है। माना यह जा रहा है कि कुछ ही घंटों में अमेरिकी राष्ट्रपति पद की तस्वीर साफ हो जाएगी। राष्ट्रपति पद की रेस में तेजी से जीत के करीब पहुंचे जो बाइडेन ने चुनाव परिणामों को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर जीत का भरोसा जताया और कहा कि हम या आप नहीं बल्कि ये पूरे अमेरिकी लोगों के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए और अमेरिका के लिए जीत होगी। बाइडेन ने ट्रंप के लगातार हमलों के बीच कहा कि तरक्की के लिए हमें अपने विरोधियों को दुश्मन मानना बंद करना होगा। हम दुश्मन नहीं है। बाइडेन के मुताबिक हर वोट की गिनती होनी चाहिए। We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote, that it's going to take a while. We're going to have to be patient. मतगणना के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा कि कुछ घंटों तक चार बड़े राज्यों में मेरी बढ़त थी, लेकिन अचानक मेरी बढ़त जादुई तरीके से एक के बाद एक घटनी शुरू हो गई। ट्रंप के मुताबिक वोटों का घटना बेहद आश्चर्यजनक है और सभी चुनावी जनमत सर्वेक्षण ऐतिहासिक रूप से गलत साबित हो गए। हिलेरी क्लिंटन ने ट्रंप का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बैलेट की गिनती से हम सभी को चुनावी नतीजों का पता था और लोकतंत्र ऐसे ही काम करता है। कल चुनावी मतगणना के पहले दिन डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन के आगे निकलते ही ट्रंप को इस रेस में साजिश नजर आने लगी, लिहाजा ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट तक जाने का ऐलान कर दिया। ऐसा माना जा रहा है कि हार के बाद ट्रंप राष्ट्रपति पद त्यागने में कानूनी दावपेच का सहारा ले सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की शरण लेकर चुनावी नतीजे को चुनौती दे सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया के बीच मंगलवार की रात व्हाइट हाउस के बाहर जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि वहां ट्रंप और बाइडेन के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में झड़प शुरू हो गई। बवाल पर काबू पाने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ऐसी घटना की आशंका को देखते हुए वाशिंगटन के अन्य इलाकों में भी बड़े पैमाने पर पुलिस वालों की तैनाती की गई है। भारत में ट्रंप की जीत के लिए प्रयागराज में हवन पूजन का अनुष्ठान किया गया। प्रयागराज के संगम तट के पास बड़े हनुमान मंदिर में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए पूजा की गई। बड़े हनुमान मंदिर के छोटे महंत आनंद गिरी ने अपने सहयोगियों के साथ मंत्रोच्चार किया। उनका कहना था कि ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका से भारत की दोस्ती ज्यादा गहरी हुई है। पीएम मोदी ने बिहार में तीसरे चरण के चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी किया है। इसमें पीएम ने प्यार और समर्थन के लिए बिहार की जनता का धन्यवाद किया और बिहार के विकास के लिए एनडीए का रोड मैप भी बताया। पीएम ने यह भी कहा कि बिहार के गरीब लोगों के लिए गरीब और पिछड़े समाज का उनका जनसेवक दिल्ली में बैठा है। पीएम ने जय बिहार जय भारत का नारा भी दिया है। कुल 12 रैलियों के बाद पीएम का बिहार चुनाव अभियान खत्म हो चुका है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का चुनावी अभियान जारी है। तीसरे चरण के प्रचार में बुधवार को नीतीश ने ताबड़तोड़ चार रैलियां की। किशनगंज की रैली में नीतीश ने अल्पसंख्यक वोटरों को साधने की कोशिश की। नीतीश ने कहा कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि कुछ लोगों को देश से निकाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसी ताकत किसी में नहीं है। नीतीश दरअसल ओवैसी को जवाब दे रहे थे जिन्होंने किशनगंज की रैली में एनआरसी का मुद्दा उठाया था। बुधवार को आरजेडी नेता तेजस्वी ने भी किशनगंज में रैली की। सभा के दौरान तेजस्वी ने आरोप लगाया कि दो चरण के चुनाव के बाद नीतीश कुमार गायब हो गए हैं। तेजस्वी के मुताबिक उनकी सीधी लड़ाई बीजेपी के साथ है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर अपने पिता और बिहार की जनता से विश्वासघात का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी ने भी बुधवार को बिहार में महागठबंधन के लिए वोट मांगे। अररिया की रैली में राहुल ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा। नीतीश कुमार पर भी राहुल जमकर बरसे और कहा कि बिहार के सीएम ने पहले बिहार की जनता की पीठ में और फिर पेट में छुरा घोंपा। बिहार में बीजेपी का भी जोरदार प्रचार अभियान जारी है। दरभंगा में योगी आदित्यनाथ की रैली में हजारों की भीड़ उमड़ी। योगी के भाषण में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर जोर रहा। वहीं मुजफ्फरपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महागठबंधन पर चुन चुन कर हमले किए। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिनों के बंगाल दौरे पर बुधवार को कोलकाता पहुंचे। अमित शाह आज बांकुरा जाएंगे।
यहाँ एक आदिवासी परिवार के घर पर उनके भोजन का कार्यक्रम है। गृह मंत्री के दौरे को लेकर बांकुरा के इस गांव में जोरदार तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा को लेकर घर के चारों ओर खास इंतजाम किए गए हैं। अमित शाह शुक्रवार तक बंगाल में ही रहेंगे। पंजाब में कृषि कानूनों को लेकर बवाल जारी है। पटियाला में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आंदोलनों के चलते पंजाब में मालगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। इससे राज्य में जरूरी चीजों की आपूर्ति भी ठप हो गई है। पावर प्लांट में कोयले की कमी के चलते राज्य में ब्लैकआउट का खतरा भी मंडरा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर बुधवार को सीएम अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में अनशन किया था। फ्रांस से राफेल फाइटर प्लेन की दूसरी खेप भारत पहुंच गई है। फ्रांस से तीन लड़ाकू विमानों का बेड़ा गुजरात के जामनगर एयरबेस पर पहुंचा। फ्रांस से राफेल के इन तीनों विमान ने नॉनस्टॉप फ्लाइट पूरी की, जिसमें करीब 8 घंटे का समय लगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके बधाई दी और लिखा कि एक बेहद जटिल मिशन को कामयाब तरीके से अंजाम दिया गया। अब भारत में राफेल के कुल 8 फाइटर प्लेन आ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की घनी चादर छा गई है। प्रदूषण ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि हर ओर धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। बुधवार को श्रीनिवासपुरी में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा 878 मापा गया, जबकि पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में भी पॉल्यूशन का लेवल काफी ज्यादा 742 दर्ज हुआ। अधिकांश जगहों पर प्रदूषण का स्तर 450 से ज्यादा ही रहा। दिल्ली में ठंड बढ़ने की वजह से धूल के कणों से मिलकर स्मॉग का निर्माण हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने आगाह किया है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ सकता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण में बड़ा हाथ पंजाब और हरियाणा में जल रहे पराली का भी है। पंजाब में इस साल अब तक पराली जलाने के 36,755 मामले दर्ज हो चुके हैं, जो साल 2019 के मुकाबले इतने ही वक्त में 49% ज्यादा है। बरनाला में 28 किसानों और भटिंडा में 44 किसानों पर पराली जलाने के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। भटिंडा में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने 41 टीमों का गठन किया है, जिन्हें पराली से जुड़े केसों की छानबीन का जिम्मा सौंपा गया है। दिल्ली में कोरोना ने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 6,842 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इतने ही वक्त में राजधानी में 51 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। लगातार दूसरे दिन 6,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 4,09,000 को पार कर गया है और यहां बीमारी से मरने वाले लोगों की तादाद 6,703 तक जा पहुंची है। महाराष्ट्र में आज से कोरोना लॉकडाउन में बड़ी ढील दी जा रही है। कंटेनमेंट जोन के बाहर ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल और योगा संस्थाओं को आज से खोल दिया गया है। सिनेमा हॉल, ड्रामा थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ आज से खोला जाएगा। खेल के इंडोर कोर्ट को भी आज से खुलने की हरी झंडी मिल गई है। फ्रांस में कार्टून विवाद को लेकर कोलकाता में भी मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया। हालांकि कोलकाता पुलिस की ओर से इसकी इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने प्रदर्शन जारी रहा। मुस्लिम संगठन ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन प्रदर्शन में शामिल है, जिनकी मांग है कि पीएम मोदी दिल्ली में फ्रेंच राजदूत को समन करें और फ्रांस के खिलाफ कठोर प्रतिक्रिया दें। सुहागिनों ने कल रात करवा चौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया। बॉलीवुड हस्तियों ने भी अपने सुहाग के लिए दिन भर का व्रत रखा। कई व्रतियों ने करवा चौथ मनाने की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिनमें शिल्पा शेट्टी, नीलम, रवीना टंडन, महीप कपूर शामिल हैं। सभी करवा चौथ मनाने के लिए जुहू में अनिल कपूर के घर पर मौजूद थी, जहां अनिल कपूर की पत्नी सुनीता ने पूजा का आयोजन किया था। दिल्ली में एक युवक की चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। जितेंद्र नाम का युवक ऑफिस से कागजात और कैश लेकर जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया और लूट भी की। युवक के जिस्म पर चाकुओं के 27 घाव मिले हैं। मृतक के दो छोटे बच्चे हैं और वो अपने घर का इकलौता कमाने वाला था।
शामली के कलेक्ट्रेट में सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंचे प्रेमी युगल की परिजनों ने पुलिस के सामने ही जमकर पिटाई की। सरकारी दफ्तर के बाहर ये ड्रामा करीब आधे घंटे तक चलता रहा, लेकिन न तो पुलिस न अफसरों ने दखल देने की जहमत उठाई। बाद में वकीलों ने दोनों को बचाकर बाहर निकाला। महोबा में छात्र से छेड़छाड़ करना मनचले को भारी पड़ गया। रोज रोज के तमाशे से तंग छात्राओं ने मनचले की बीच सड़क पर चप्पलों से पिटाई कर दी। पिटाई के बाद मनचले ने माफी मांगी और दोबारा ऐसी हरकत नहीं करने की कसम खाई। सोनीपत में नकली शराब से होने वाली मौत का आंकड़ा 20 तक पहुंच गया है। जहरीली शराब से मौत के सभी मामले शहर की 3 कॉलोनियों से ही आए हैं। शराब कांड के बाद पुलिस की कई टीमों ने छापेमारी की और एक दुकान से नकली शराब की खेप बरामद की। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में 3 साल का बच्चा बोरवेल में फंस गया है। खुले बोरवेल में गिरा मासूम प्रहलाद करीब 60 फीट की गहराई में फंसा है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें बोरवेल के नजदीक सुरंग खोद कर बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश में है। गुजरात के अहमदाबाद में कपड़े के गोदाम में आग लगने से भीषण तबाही मची। आग लगने के बाद एक धमाका हुआ जिससे बिल्डिंग की छत गिर गई। इस घटना में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। धमाका कितना जबरदस्त था ये इस वीडियो में देखा जा सकता है। आग लगने और धमाके की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े महिला की चेन छीन ली। ग्रेटर नोएडा के B2 सेक्टर स्थित मदर डेयरी के सामने बाइक सवार 3 बदमाशों ने महिला से चेन लूट ली। लूट करने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की है जिसके बाद जांच शुरू हुई। साइबर सिटी गुरुग्राम के गांव धनवापुर में मौजूद हुडा STP प्लांट में ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। STP प्लांट में धमाके के दौरान काम कर रहे ठेकेदार के 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाके की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। ब्लास्ट के बाद STP की कई यूनिट को बंद कर दिया गया। हरियाणा के पलवल में एक ज्वेलरी शॉप से 4 महिला चोरनियों की करतूत कैमरे में कैद हो गई। CCTV को जरा गौर से देखिए किस तरह लाल रंग के कपड़े पहने महिला सोने की चूड़ियों को दुकानदार की नजर से बचाते हुए चुरा लेती है। सोने की चूड़ियों की कीमत 2,80,000 रुपए बताई जा रही है। शहर थाना पुलिस ने पीड़ित ज्वेलर्स की शिकायत और CCTV के आधार पर अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा वेस्ट की चेरी काउंटी सोसाइटी में एक पति पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। वारदात को हमलावरों ने घर में घुसकर अंजाम दिया है। वारदात की जानकारी बुधवार की सुबह करीब 11 बजे उस वक्त चली जब बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा उनके घर पहुंचा। पति पत्नी दोनों चेरी काउंटी सोसाइटी में अकेले ही रहते थे जबकि बेटा गाजियाबाद के अर्थला में रहता था। पुलिस ने फिलहाल जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कानून से बेखौफ बदमाशों ने लड़की को गोली मार दी। वारदात गुरुग्राम के सेक्टर 65 में मंगलवार देर रात की है। जब 26 साल की लड़की अपने दोस्त के साथ कार में सवार होकर खाना खाने के लिए निकली तो रास्ते में बाइक सवार 3 युवकों ने उससे कार छीनने का प्रयास किया। कार छीनने में असफल रहने पर युवकों ने कार चला रही युवती के सिर में गोली मार दी। फिलहाल अस्पताल में लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज पहला क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को जो भी टीम जीतेगी वो सीधे 10 नवंबर को होने वाले फाइनल में जगह बना लेगी, तो वहीं हारने वाली टीम को दूसरे क्वालिफायर के रूप में फाइनल में पहुंचने के लिए एक और मौका मिलेगा। पॉइंट्स टेबल में दोनों ही टीमें पहले और दूसरे स्थान पर काबिज हैं। मुंबई ने अपने मुख्य गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह और टेंट बोल्ट को सनराइजर्स के खिलाफ विश्राम दिया था। इस मैच में इन दोनों की वापसी होगी। दिल्ली और मुंबई के बीच IPL के इतिहास में अब तक 26 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से मुंबई ने 14 और दिल्ली ने 12 मैच जीते हैं। वहीं IPL 2020 में दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले हुए, दोनों ही मैच मुंबई ने जीते।